मेरी बात सुनो, आज मेरी खुशी यही कह रही कि मैं राजू और गाऊं मुन्ने के आग में क्यों है भाभी। तू चौदह
अरे नेता उसे बरामदा बोला जाता है। हाँ 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 भैया बरामदा। अब चला लिया चलिए चलिए स्वामी जी के चरणों में आरती का प्रणाम स्वीकार हो स्वामी जी। आरती दिए जी स्वामी जी। आज बात क्या है प्रिये? बाई ने भाग गई है प्रिये। क्या मेरी बाई आखिर बहुत तेजों से भाग गई है, क्या कोई कारण हो सकता है? स्वामी क्या बताऊं, आप सब प्रातों नहीं देखे कुछ? ये जब कोई आग भड़कती है तो मेरे सर पे जरूर आसमान जरूर। आरती थोड़ा आराम कर लिया गए, उसके बाद जो विधाता ने लिखा हो वो जरूर होता है। स्वामी जी क्या बात है वो? आखिर आप फैक्ट्री से जब आते हैं तो हमेशा अपने मुन्ने को याद करते थे, आज अपने दीपक मुन्ना का ख्याल नहीं करोगे? एक मालिक का कर्तव्य होता है कि अगर फैक्ट्री में मेरे पास 20 लेबर है तो अभी मेरे बच्चे हैं। हमारा तुम्हारा फर्ज है परिवार को चलाना और परिवार को देखना। ठीक है खुशी मुझे भी है प्रिये। आज मुझे कितनी बड़ी खुशी मिली है कि इस परिवार में सूरज ऐसा चमकता ये मेरा दीपक मुन्ना है। प्रिय बैठ जाइए आराम कर लीजिए, उसके बाद जो होगा देखा जाइए। Thank you.
घर पर आ चुका हूँ। घर में मेरे बड़े भैया हैं और भाभी माँ हैं। सपना, तुम सबके पैरों को छूकर आशीर्वाद लेना। लेकिन सपना, हमारे घर में कि जन नेता रहे, उसके आवाज बढ़ाई तो खेते उसे बता हूँ। वो बीमार हो गए। अरे आवाज लगा रहा हूँ, अगर बीमार भी होगा तब भी चलाएगा। अरे नेता, कल भैया तू कैसे, कब आया है? अरे नेता, मैंने सुना कि तुम्हारी तबीयत खराब हो चुकी थी। चाहे भैया मार बहुत भयानक तबीयत खराब होके रही, बच गए ना तभी पूर जाए तो हम। अरे नेता, ऐसे कैसी बात कर रहे हो? मैं भैया नहीं पूछा था ही कि तुम्हारे पिछवा के खड़ी रहा। अरे नेता, आज तुम्हें जानकर खुशी होना चाहिए कि ये तुम्हारा चंदर भाई अपनी शादी करके तुम्हारे लिए अच्छी सी भाभी लाया है। मारा सारा लीप डाया, मारा सारा दोनों भाई मिलकर लीप डाया। वो निकल हुआ लिया है और वैसे निकल हुआ तू लिया है। तुम्हें विदाई भी मिलेगी और जो लगा जोहान आई बराहट। अरे नेता, वो निकल हुआ लिया है और चतुर निकल हुआ लिया है। अरे नेता, मैं निकाल कर नहीं लाया हूँ, मैं सपना से प्यार करता था और मैं शादी करके लाया हूँ नेता। लेकिन नेता, हाँ भैया, घर में बड़े भैया हैं। हाँ आया भैया तो अब भाभी आ भैया। लेकिन नेता, हाँ भैया, हम बोल ना पाओ भैया। या बोल ना पाओ भैया, तब क्या करे खातिर तू शादी करके लिया गया नेता? जा अपने भौजी से कहबे ना, मेरा दादा भौजी बहुत मनोज करा था। भौजी कहा मामला एकदम शांत हो चाहिए। सबसे सही बात कर रहे हो, मैं भाभी माँ से मुलाकात करूंगा। चंदर तू ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन ये लड़की कौन है मेरे पास? हूँ Yeah.
प्यारे भाभी ना, आप भी जानना चाहते हैं कि मेरे साथ में कैसी लड़की है। भाभी ना मेरी बात सुनो, इसका नाम सपना है और हमें अपनी शादी कर ले रहा। अगर तुम्हारे भैया जानेंगे तो क्या कहेंगे, मुझको भी मारेंगे और तुम्हें भी मारेंगे मुन्ना। अगर तुम्हें ऐसा ही करना था तो एक बार सलाह लेना चाहता। भाभी ना, हम तो इसलिए बताए थे भैया के हमसे दिल बोलो। भाभी ना, ये बात आप भैया से बताए थे, हम भैया से ना बोल पाओ। भाभी ना, तू चिंता मत कर मुन्ना, मैं हूं ना ये तेरी भाभी। मैं जब तक दुनिया में जिंदा रहेगी तुम्हारे ऊपर आज कभी नहीं करूंगी मुन्ना। मैं तुम्हारे भैया से बात करती हूँ, भैया स्वामी जी। बात क्या है? बात यही स्वामी जी, एक चंदर मुन्ना को अपना मेरा देवर। क्या बताऊं स्वामी जी, मुझे शर्म में आ रही है। अगर आप कुछ बोले ना तो मैं बताऊं आपसे। आपके प्रिय, अगर परिवार में अगर बच्चा गलती कर जाता है तो कोई भाई कोई भाभी अपने बच्चे को गर्भ नहीं कर देती। क्या चाहती हो स्वामी जी? बात यही है, मेरा देवर चंदर एक लड़की से प्यार कर बैठा और अपनी शादी भी जा लिया स्वामी जी। आपके प्रिय, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूं। इसलिए खुशी है कि परिवार में तो देवरानी तुम्हारे पास आ गई है। यही तो मैं चाहती थी, भला मैं आओ क्या चाहूंगी। आपके लिए अब भैया क्या रहा फिर हो? अब भर्जी काम एकदम आराम हो गया। कब चूल्हा बर्तन करे के पड़ रहा आप तो बिल्कुल तो सब कुछ करेगा। हाँ बेटा, हमारे घर में देवरानी आई है तक हम लोग काम करे जरूरत ना आएगा। पुलाव बनवा देना, मटर पनीर बनवा देना।
छोला बनवा देना, गुरु जी कन्हैया जी को अच्छे अच्छा भोजन करवाए क्योंकि खुश रहेंगे गुरु जी। कन्हैया जी को आज मैं गरम गरम हलवा पूरी खिलाऊंगी। लेकिन मैं चलता हूँ, सुनो मेरी बात। कहिए सुना